ਬਿਜਲੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧੂਗੀ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ मेरे इलाकों वासियों को बेनती है वड्डी गिणती दे विच जिहड़ा चंडीगढ़ बठिंडा रोड से पहुंचो ता कि जिहड़ा कट वधा के अगला कोई प्रोग्राम इत्थे लिखिया जावे ते बस इन्ना कि तुहाडे नाल मैं गल्लां करनी बाकी सारा दिखाया उन्होंने जाके इधर दिखा और जिहड़ा इह अपना रोड जाम किया हुआ है रजवाड़े ढाबे को जाम किया हुआ हरिगढ़ के कोल नहर है जिहड़ी उत्थे इह जिहड़ा अपना रोड जाम किया हुआ है भी सारे इत्थे वड्डी गिणती दे विच पहुंचो ते ता कि जिहड़ा आपां इनसाफ वल बच सकीए बाकी हो रहे थे तो वो मुंडा खड़ा उन्होंने बुला सारे जिन्हें भी आए यार सारे कदम सिर मत आया सारे जवाकों वास्ते है ना इन्हों के भी जवाक कितने दुखी ने इन्हों के पिंड च बहुत केस ने गए अज तो हम लगता हर दसवें तारीख केस आए है ना वीर बन के मैं सारा दिलों धन्यवाद करना भी जेडे दूर नेड़े बैठे हो आज जुड़ जाओ बाकी राजू है मुंडा बहुत उद्यम कर रहा बेचारा मुंडे जोड़ रहा है जेडे इस तरह कैटागरी के बंद ने साडे नाल जुड़ जाओ आपां इक जुड़ के ग्रुप बना के देखो अज मैं कल्ला किन्ने कर रहा है जो तुसीं कल्ले कल्ले करोगे तो कुछ नहीं होना जे इकट्ठे होके आपां लड़ांगे तो आपां इह लड़ाई च कुछ फट लांगे जिहड़ा अज दा धरना इह प्रशासन नूं भी दसदा मैं जिहड़े मेरे वीर पिछे देख रहे ने उन्हां नूं भी कहना इह अणमिथे समें लई है बई जिन्ना चिर साडी मंग नहीं मंगदे असीं धरना नहीं चक्कणा चाहे सानू कुछ नेरा होवे मीह आवे जो होवे कुछ होवे रात होवे इत्थे रहांगे धन्यवाद एक मैं होर गल कहना चाहना जिन्हें भी देशों विदेशों में लोग हमारी आवाज कट जाऊगी देख रहे ने सब तो बड़ा का कारण है पंजाब का जो नौजवान यूथ है वह बाहर जा क्यों रहा है कारण सब तो यह कि पंजाब दे विच बेरोजगारी पंजाब दे विच कोई भी इंसाफ लेना तो एवं धरने लग के बैठने पैंदे ने यह चीजा तो अक्या होया पंजाब दे नौजवान यूथ बाहर जा रहा है कुड़िया की जिहड़ी बदकिस्मती यह है कि जिन्होंने लखा रुपया ला के इधरों बाहर भेजा है हर एक नौजवान यह गल होंगी कई कई इतने सवाल जवाब होंगे भी मुंडे आईलैट्स कर लेना मुंडे ये काम कर लेना जेडे मुंडे ने 30 लाख रुपया 20 लाख रुपया खर्च करता कुड़ी नूं बाहर भेजने लई तां इस तों उपर दा डिग्रियां डुगरियां सारियां थले रह गईआं कित्थे तां कुड़ियां नूं इह गल चाहीदी सीगी वी जिहड़े बेरोजगार मुंडे ने उहनां नूं लिजा के उहनां नूं इत्थे सानूं वी तां उहनां ने भेजिआ साडे तों उहनां ने पैसे ला के भेजिआ भी उन्हां नूं वी असीं रोजगार दवा सकीए उह वी इत्थे देशां विदेशां विच चंगी धरती ते आके कामयाब हो सकण कित्थे उहनां ने जिहड़ी आ मिट्टी पट्टी आ पूरे पंजाब दी आ तुहाडे सामने पट्टी आ इक मैं तुहानूं होर गल कहना चाहुंदा जिहड़ा कनेडा इन्हें पूरे पंजाब नूं रोटी दित्ती है पर जिहड़े आ हालात हुणे कुड़ियां ने पंजाब दे विच पैदा कीते नेगे तुसीं इह देख लिओ भी जिवें कि यूरोप दे विच काफी सारियां कंट्रियां ने कीता होया भी उत्थे कोई स्टडी वीजा नहीं मिल रहा कोई पक्का नहीं हो रहा आ हालातों के आधार ते एक दिन एक बारी तां हुण कनेडा दे जिहड़े राष्ट्रपति दा बयान आ गया आ हालात सारे देखदे होए कनेडा दे विच सारे पंजाबियों दे सखताई होणे जे केस दे विच इंसाफ ना मिलिया ना सारे पंजाबियों दे सखताई होए गल याद रखियो सारियां कुड़ियां मुंडियां दे सखताई होणी है एक दिन इह जिहड़ा इह दिनों दिन अंदोलन लोकां दे विच गुस्सा इस इंसाफ नूं लै के वधदा जा रहा है इस करके जिन्ना जल्दी हो सके इहनूं इंसाफ दवा लो नहीं इहदी कोई भी बच्चे पक्के हो जाते वो सारा जिहड़ा कारण होया यूरोप दे विच इस तरह ही कारण होया इस तरह ही साडे लोकां ने जिहड़ी मिट्टी पट्टी है वो सारा उन्होंने सख्त करना पिया काम हुण जिहड़ा सख्त है काम कनेडा दे विच भी होण लई जाऊगा कनेडा सब तो वध जिहड़ा पंजाब नूं वोट रहा उसनूं चंगी तरह पता है वो ये सारे जिहड़ा आपां नूं देखण नूं रिजल्ट आउण वाले समें दे विच मिलणगे मैं कुछ कहना चाहना बई मैं बहुत मुंडिया के फोन आउंदे आ यार भाई मैं असीं सुसाइड करने बारे सोचा सीगा पर लाडी दे केस तों बाद तू ਘਵਾ ਚੱਕਿਆ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਜੁੜਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਲਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਿਓ ਹਨਾ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੁਪਿਆ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਵੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਦੁੱਖ ਧਾਰਾ ਲਾਈਏ ਜੀ ਹਲੇ नो डाउट धारा ठीक है पर एक धारा ला के सिर्फ गोंगलियां की मिट्टी झाड़ी है जबकि होर बाकी धारा बनती है अपार्टमेंट दिखती पई है 406 दिखती पई है जाली दस्तावेज दिखते पे ने उन्हां दियां हरकतां दिखदियां पईआं इंटेंशन दिखती पई है उन्हां दा मेकओवर मेकओवर इन द सेंस की स्क्रिप्टेड उन्हां दी भाषा
चाहे वह टीवी चैनलों से आ रही है चाहे जिथे भी आ रही है स्क्रिप्टेड भाषा दिखती पी है। होर पुलिस को की चाहिए मतलब वड़ेवा लभदी पी पंजाबी की कहावत है साडे पिंडां च वड़ेवा लभदी पी किहड़ा वड़ेवा होर चाहिए सारी एविडेंस रिटन चैट अवेलेबल है 6 मई 2018 तो मुंडा दसर 20 तो मई 2020 तो मुंडा बार बार कह रहा है फैक्ट वास्ते मेरे जूनियर तुम दसणगे 20 तो बार बार कह रहा है कि मैनू लै जा नहीं तो मैं मर जाना मैनू लै जा। कुड़ी इन्नी बेशर्म भी है वह कहती कि मैं तेरा किसी होर नाल कागज बना के लै जा तेनू बार अगों बड़ा इमोशनल होकर कहता कि मैं तेरे नाल ब्याह कराया मैं कनेडा नाल भी नहीं कराया जे कोई कागजा च कमी है तू मैनू नहीं ले जा सकती तू इंडिया आ जा आप इतने परिवार वगू रवे खावे वधिया इज्जत है अपनी पिंड च आप रल मिल के रह लेंगे। वह अंगूठा विखाती है वह हूँ कहती चैटा डिलीट करती है तो फिर तू दिखा दे जी चैटा असं डिलीट कितिया तू दिखा दे है ना तेरे को। मैं कहना उस कुड़ी को चैलेंज किया मैं तुहाडे चैनल से बैठ के भी मैं वादा करता उन्होंने कहा भी 2017 तो लैके हूं तक तू अपनी कॉल डिटेल मंगा सकती ना है मां की धी है तू सची जब तू कॉल डिटेल कढ़ा जे तेरी कॉल डिटेल सही निकल आवे मैं तेन बार्डर उतो लैके आऊंगा तो रह साडे घर आके अपने सहरे रह तेरा सहरा परिवार तेन इज्जत दूगा तेन कोई हाथ में चुकूगा तेरे वादा क्यों भाई ना पूरा चानना पा। देखो जी 306 धारा कहती अबैटमेंट टू सुसाइड किसी अकसाना उन्होंने सुसाइड नोट विखा के साडा काम सौखा किया मतलब प्रूव करते हैं कि मुंडा पहला भी दुखी सी ओहदे तो फिर भी इमोशनल होके कहिंदा मैं तेन कुछ नहीं कहिंदा तेरा मेरा मां प्यो तेन पैसे भी दू पर मैं मर जाने यही गल मैं कहनी चाहना भी कितना कितने लगता नहीं है भी मुंडा जिहड़ा ब्याह तो बाद ही नालों नाल तंग सीगा ब्याहकोट तो 3 महीने बाद सद सकती सी नहीं सद्या। मैं कहना ब्याह तो बाद 6-8 महीने कुड़ी इत्थे रिंग सेरामनी कीती है असीं पैसे लाए है लड़के दे पिता जी ने चाचा जी ने परिवार ने उन्हूं बाहर भेजिया बाहर भेजन तो बाद 10-11 दिन लई वापस आउंदी है ब्याह कराउंदी है ब्याह कराउण तो बाद फिर वापस जाके फिर अपने आप नूं कुंवारी रहण दिंदी है मतलब कित्थे तक झूठ बोलोगे फिर मैरिज सर्टिफिकेट है जो मैरिज सर्टिफिकेट झूठ बोल देगा। सो मैं उधर दी एजेंसीज नू ऑलमोस्ट 60 तो ज्यादा एजेंसीज ने इनकलूडिंग जस्टिन ट्रूडो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन 2 दिन तक मेरी चली जानी है मैं FIR की भी वेट कर रहा चाहे 1 धारा च भी FIR मेरे लिए सफिशियंट एविडेंस टू प्रूव हर गिल्टी एंड टू डीपोर्ट हर। यही मैं कहना चाहता सी जिहड़ा लोगों की मुख मंग है कि जो कुड़ी ने डिपोर्ट करवाया जाए लगता भी हो जाएगा यह काम है चूहा कड़िकी च फसल आप आएगा। ते मैं तुहानू गल दसदा मैं 2 तरीके डीपोर्ट दे पहला तरीका तो साडी पंजाब पुलिस उत्ते एफर्ट करे उहदा ABCDEF चैनल है उहनू अपनावे ते उधरों बुला ले। दूजा जिहड़ा कुड़ी ने उत्थे अपनी PR वेले सॉरी वर्क परमिट वेले अपने आप नू क्वारी लिखिया उहदे डाकूमेंट कुछ एविडेंस साडे कोल पहुंची है और ओह वाले डाकूमेंट के बेस से उहनू नलीफाई कराने लई मैं इत्थों मुंडे दा सर्टिफिकेट मुंडे दा इवन डैथ सर्टिफिकेट FIR की कापी ते होर जिन्ने प्रूफ ने इन्हां दीआं ब्याह दीआं फोटोआं और रीप्रजेंटेशन बना के बीइंग एडवोकेट एंड काउंसल फॉर द पार्टीज मैं उत्थे भेजनी है। उत्थे इमीग्रेशन एंड रिफ्यूजी एक्ट लगता है उस एक्ट की धारा 44 के मुताबिक उधर उहदा वीजा रिजेक्ट किया जाएगा 30 दिन का उन्हें समा दिता जाएगा उन्हें 30 दिनों उन्हें मौका दिता जाएगा कि तू अपने यह जो तेरे ते इल्जाम लाए ने तेरी FIR तू कुआरा दसिया जो भी 4-5 मैं पॉइंट्स लिखने ने कुछ मैं नहीं भी डिस्कलोज कर सकता उहदे बेस ते उधरली सरकार उन्हें 30 दिन का मौका जरूर देगी देन तो बाद 29वें दिन उन्हें जहाज फड़ के आप आना पड़ेगा इंडिया च ये वादा है। सो मैं ये तुहानू दस दिना कि 2 तरीके दसते दोनों तरीकों चो जिहड़ा शॉर्ट ते बेस्ट होया असीं दोनों ही अपनाउणे आ असीं पैरवाई छड्डनी नहीं। मैं होर गल कहनी चाहना लवप्रीत गया सानू सब नू दुख है एक मां दा पुत सीगा ओह पर लगता नहीं भी कितना कितने जिवें उस दिन उसदे घर कट होया भी हजारां दी संख्या च जिहड़े नौजवान पीड़ित ने ठगियां दा शिकार होए पए ने भाजी 115 कि 120 मुंडे ते उदन आए सी मैडम मनीषा जी नूं उन्होंने अपनी मंग पत्र भी दिता सी ते मैनू अफसोस है मनीषा मैम ते भी मैं दिलों कहना इन्नी गल कि झूठे हंझू ना पुंजो मेरे कोल पावर कोई नहीं भाजी मैं उस थां ते कमिश्नर हुंदा मैं जस्टिन ट्रूडो नूं इह चिट्ठी लिखणी सी भी इस कुड़ी दी पहला एविडेंस लिआओ एविडेंस पेश की जाए ता जो इन्हों इंसाफ दवाया जाए शी कैन कॉल फॉर एविडेंस शी इज कमिश्नर कमीशन है उन्होंने पूरा एक अदालत है एक तरह की पंजाब की पावर मिली है बट शी डिड सिंपल एक चिट्ठी की है फ्रॉड हो रहे हैं उत्तों जस्टिन ट्रूडो के किन्ने गैर जिम्मेदारा का जवाब आंदा कि एजेंट करी जाते हैं एजेंट तो पहला कुड़ी क्यों नहीं करती पी या मुंडा क्यों नहीं करता पा मेरा सवाल उल्ट पासे है मेरी नीत खराब है ना एजेंट किवें मेरे नाल गलत हो जाएगा जो मेरी भी नीत खराब है तो मैं ही खराब करूंगा ना मैं जेब चो पेन चोरी करना तो ये मेरा वीर की कर लेगा मेरी नीत माड़ी है। सो आप गल थोड़ी जी सही करिए
जिथे तुहाडे कोल पावर है अपनी पावर नूं इस्तेमाल करो। मैं ये नहीं कहता चुक के इंडिया च भेज दो, एविडेंस इकट्ठी करो। जे फॉल्ट हैगा उहदा उहदे फॉल्ट दे मुताबिक उहनूं उत्थों जो पनिशमेंट उत्थे मिलदी है, जो पनिशमेंट उत्थों दी उहनूं पनिशमेंट दिओ। इंटरपोल दे जरिए साडे 14 मुल्कां नाल ते ट्रीटी है, उहदे च कैनेडा इक है, और उहदे विच उहनां नूं डाकूमेंट देने या उह मुलजम देना बनदा बनदा है। ईवन जे उह मुलजम सानूं इंडिया नहीं पहुंचा सकदे, इन केस उधर की जेल च रखा जाएगा, उधर की अदालत च इहदे च केस चलेगा, राइट। सो देयर आर मैनी प्रोविजन इन लॉ। नीत होवे तुहाडी करन दी ते हो जाएगा, नहीं नीत ते असीं इदां धरने लाई रखांगे, फिर कित्थे तक चलोगे। अज एक पुत सामने आया, मैं दावे नाल कहना बाल आ जाएगी इत्थे सुसाइड दी, इन्ने के दुखी। मेरे एक मेरा वीर इत्थे खलोता, उहने 65 लख लाया। एक इहो जिहा मैनूं केस मिलिया जिहदे च कहिंदा जी मेरे नाल विआह करा के दिने ही डोली तो कुड़ी नूं छकण पवा के घर लै गया, अज तक मैं उहदी शकल नहीं चज्ज नाल वेखी। इहो जिहे घटिया परिवार भी हैगे जी। हुण मैं की कहूंगा, मुल ही वट दिओ ना अपनीआं धीआं दा फिर, या अपने मुंडिआं दा। दोनों पासे चलदा पिआ मामला, इह नहीं इक पासे चलदा पिआ, पर इस वेले तादाद कुड़ियां दी ज्यादा है, मुंडिआं दी घट है। हाँ, कुछ लोग ये भी सोशल मीडिया से कहते कि पहला मुंडे है कुछ करते, किसी मुंडे ने कुड़ी वाले पैसे लवा के इदा नहीं किया, नो डाउट ब्याह किया, सुभा नहीं रलिया, इतने छड़ गए, बच्चा पैदा करता, एहोजे 50 काम किए। उन्होंने भी परिवारों नूं मैं दस दिया, इंडिया च बैठे तुसी कैनेडा अमेरिका उन्होंने प्रॉपर्टी चो हिस्सा लै सकते, तुसी इंजंक्शन सूट फाइल करो, जो चूंडी भरोई जाएगी ना इंडिया आएगा तुहानूं सारा हिसाब दे। बड़िया प्रोविजन ने, रीजन है कि असी आप पहला तो मास्टर जी बन जाने, किसी टैक्नीकल बंदे की बजाय किसी एजेंट को जाने, उत्थे गलती करते हैं। जेडे भी इमीग्रेशन या इंटरनेशनल मैटर के एक्सपर्ट लॉयर्स ने, बरनाले च भी अवेलेबल है, चंडीगढ़ भी बड़े ने, उन्होंने कंसल्ट करो, तुहानूं सही रस्ता मिलेगा, तो ईमानदार रह के उस रस्ते फॉलो करो, उहदे च अपनी डॉक्टरी ना वाड़ो, तो तुहानूं न्याय मिल जाएगा। टाइम लग सकता है, अंधेर नहीं होएगी, क्योंकि अज तक जो सानूं कितें माण है तो कचहरी से पूरा माण है, अज तक कचहरी च करप्शन नहीं हुई तो ना होएगी, ये भरोसे नाल कहने। बाकी महकमे की मैं किसी की गरंटी नहीं लगी। भाई हरविंदर सिंह हिंदी, हरविंदर सिंह जी तुसीं अज उरे सड़क ते जाम लाया, की कारण हैगा जी? ਇਹ ਵੀਰੇ ਲਾਪਰੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਅੱਜ ਫਲਾਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਫਲਾਨਾ ਅਫਸਰ ਫਾਇਲ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਫਲਾਨਾ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਫਲਾਨੇ ਵਕੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਆ ਫਾਇਲ, ਜੇ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਧਾਰਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਪਾਇਆ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੀ ਚੈਦ ਚੈਨਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ 420 ਦਾ, ਯਾਰ 420 ਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲਵਾ ਗਈ ਕੁੜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸੀ ਘੰਟੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚਾ ਮਿਲਦਾ 420 ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ 420 ਦਾ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 420 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਜੋੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 306 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਕੁੜੀ ਚੈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰ ਪਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਿੰਦੇ ਬਿੰਦੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਚ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਘਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ 420 ਦਾ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਈਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਬੈਠੀ ਜੋ ਕਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਾਡੀ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਢਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਏ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਚਲਾਇਆ ਗਾ? ਪੁਰਾਣੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਡਿਟੇਲ, ਉਹ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਭੇਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਲਾਪਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਜੇ ਲਾਪਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲ ਲਓ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਮੈਕ ਚ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਮੂਹਰੇ, ਚੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਛੋਟਿਆ ਕਲਾਸ,
ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਗੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਬਾਈ।